हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है ढोकला बनाने की। आज हम ढोकला बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार ढोकला हमारा बनके तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं ढोकला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1 चम्मच हरी मिर्च का ये मैंने पेस्ट लिया है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 पैकेट इनो, ये मैंने लेमन फ्लेवर लिया है, और 8 से 10 कड़ी पत्ता, 3-4 हरी मिर्च, इनको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, 1 छोटी चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम थोड़ा ही डालेंगे, अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो ढोकले का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी हींग, ये मैंने ऑयल लिया है, इसमें से हम 1 चम्मच जब बैटर तैयार करेंगे तब डालेंगे, बाकी बचे हुए से हम अपना तड़का तैयार करेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक और 1 चम्मच सूजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउल लेंगे, उसमें जो हमने बेसन लिया है इसको डाल देंगे, साथ में इसमें ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच सूजी, रवा भी कहते हैं इसे, 1 चीनी, हल्दी पाउडर, नींबू का रस और लगभग 1 चम्मच ऑयल। अब इस मिश्रण को हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक बैटर तैयार कर लेते हैं। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है जिससे कि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको बना लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये किस तरह से है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से फेंटेंगे, और फेंटते समय आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से अगर आपने फेंटना शुरू किया है तो आप इसको क्लॉकवाइज ही फेंटेंगे, डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट कंटिन्यूस फेंटते हैं, क्योंकि हम इसको बैटर को जितना फेंटेंगे ढोकला हमारा उतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। हमने इसको 3 मिनट कंटिन्यूस इसी तरह से फेंटा है। अब आप देख सकते हैं कि बैटर इस तरह से हो गया है, एकदम चिकना हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, इसको अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तब भी हरी मिर्च का यूज़ ना करें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक भगोना ले लिया है बड़ा, आज हम ढोकला इसी में बनाएंगे। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं। पानी इस स्टैंड को मैं इसमें लगाऊंगी, तो पानी हमें इतना रखना है कि इस स्टैंड से नीचे रहे। तो ये देखिए, इस स्टैंड से नीचे ही है पानी, तो इसी हिसाब से हमें पानी लेना है। इसको कवर कर देंगे, पानी बॉईल होने देते हैं, इसको प्रीहीट कर लेते हैं पहले से। 10 मिनट हो गए हैं। ढोकले का बैटर चेक करने से पहले मैंने यहाँ पर इस तरह का एक स्टील का टिफ़िन लिया है, मैं ढोकला इसी में तैयार करूँगी। अगर आपके पास केक टिन है तो आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ इस तरह का स्टील का टिफ़िन ले रही हूँ, ये तो हर किचन में ईजिली मिल जाता है। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि ढोकला ईजिली निकल जाए इसमें से। टिफिन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, अब अपना बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से फूल गया है, बेसन भी
और जो इसमें हमने 1 चम्मच सूजी डाली थी वो भी, चीनी जो हमने डाली थी वो भी घुल गई है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने 1 पैकेट इनो लिया था उसको, और इसमें लगभग आधा चम्मच हम पानी डाल देंगे। देखिए इसको मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद हमें ज़्यादा देर नहीं इसको रखना है, बस अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा फूलने लगा है, अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने ये टिफ़िन ग्रीस करके तैयार किया है इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब इसको हम हल्का सा टैप कर देंगे जिससे कि इसमें एयर न रहे। भगोने को हमने पहले से प्री हीट कर लिया है, इसमें जो हमने ढोकले का बैटर तैयार करके लिया है उसको रख देंगे। ये देखिए और इसको कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। हम इसे बार बार नहीं खोलेंगे, अगर आप बार बार इसको बीच में खोलेंगे तो ढोकला आपका एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार नहीं होगा। तो इसको 15 मिनट के लिए हम लो मीडियम फ्लेम पर ढककर छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, चलिए अब अपना ढोकला चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से फूला है, आप देख सकते हैं। अब हम एक नाइफ लेंगे, नाइफ की हेल्प से हम चेक करेंगे कि ढोकला हमारा बनके तैयार हुआ कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको सेंटर में लगाएंगे। नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, साइड से भी लगा के देखते हैं। ये देखिए अगर नाइफ आपका क्लीन नहीं निकले तो आप इसको 5 मिनट के लिए कवर करके और इसको कुक कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको अब हम 5 मिनट के लिए ढक के इसी तरह से छोड़ देंगे, एकदम नहीं निकालेंगे नहीं तो ढोकला टूटने लगेगा। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तड़का पैन लिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 चुटकी हींग, सरसों, इसको चटकने देते हैं। आप देखिए सरसों चटकने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, इसको कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। मैं तड़का इसी तरह से तैयार करूंगी। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, तड़का हमारा बनके तैयार है। अब इसकी हम नाइफ की हेल्प से एजेस थोड़ी सी निकाल देते हैं जिससे कि इजीली निकल जाएगा इस तरह से। अब इसके ऊपर एक हम छोटी प्लेट लगा के इस टिफिन को इस तरह से कर देंगे, इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पॉन्जी ढोकला हमारा बन के तैयार हुआ है। अब इसको हम पीसेस में कट कर लेते हैं, आपको छोटे बड़े जैसे पीसेस रखने हैं इसके वैसे आप रख सकते हैं।
देखिए हमने इसके पीसेस भी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम तड़का डाल देंगे। ढोकला भी हमारा गरम है और तड़का भी हमारा गरम होना चाहिए। मैंने तड़के में यहाँ पानी का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए देखने में ही कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ आपको। ढोकला हमारा कैसा बनके तैयार हुआ है आप देखिए, कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला हमारा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए एकदम जालीदार ढोकला हमारा बना है। तो ये थी आज की मेरी सिंपल सी रेसिपी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।